हमने पहले डिस्कस की थी कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉबीबलिस्टिक रीजनिंग जो इंटोएटिव इंडक्टिव रीजनिंग है जिसे फिलोसफी एक वैलिड फाउंडेशन मानती है फॉर बिलीफ एंड ओपिनियन लेकिन कुछ और टाइप्स भी होती हैं रीजनिंग की विच आर ग्राउंडेड इन द सेम मेंटल प्रोसेस लेकिन वो फिलासफी में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं यूम अब पहली टाइप ऑफ इनवेलड प्रोबलिस्टिक रीजनिंग को एक्सप्लेन करेगा वो कहता है कि हमारे जो प्रोबेबलिस्टिक इन्फ्लेंसेज हैं उनकी फ़ोर्स उनकी जो लाइवलीनेस उनकी विवेसिटी काफ़ी तरीक़ों से कम हो सकती है डिमिनिश हो सकती है कि या तो हम कॉन्ट्री एविडेंस हासिल कर लें या फिर हम एक ऐसी सिचुएशन इनकाउंटर करें जो सिर्फ लूजली रिजम्बल करती है पास्ट एक्सपीरियंसेस को या फिर कुछ और वजूहत की वजह से जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो इन्फर्ड इमेज है वो अपना कलर अपनी लाइवनेस लूज कर जाती है अगर हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करें जो डेमॉन्सट्रेट करती है रेट ऑफ एक्सेलरेशन को फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो शायद काफ़ी साल गुजर गए हों सिंस एनीवन रिपीटेड दैट एक्सपेरिमेंट तो इस केस में जो इमेज है हमारे दिमाग में इस एक्सपेरिमेंट की और इसके रिजल्ट की वो फेड होना शुरू हो जाएगी लेकिन फिलासफी में ये एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है टू रिफ्यूट द एक्सपेरिमेंट्स फाइंडिंग्स अब अगली टाइप ऑफ अनफिलोसॉफिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए यूम हैज़ अस कंसिडर दीज आइडियाज़ A conversation with an Irishman is often very enjoyable, Or dusra, a Frenchman is usually judicious in his thought and discourse. But in cases in we might have rashly formed general rules which are prejudicial. हो. For example, in above facts, we erroneously that an Irishman may a wit a Frenchman cannot have solidity. हमारी ह्यूमन नेचर हमें वनरेबल बनाती है टू सच एरर्स और प्रोजोडिशल रीजनिंग एडमिसिबल नहीं है इन फ़िलोसॉफिकल रीजनिंग यूम कहता है कि फिलोसॉफिकली एडमिसिबल इन्फुलेंसिस हैबिट्स ऑफ एसोसिएशन से रिजल्ट करते हैं हम एक कंक्लूजन को मानते हैं रैशनल ग्राउंडस पर नहीं लेकिन हम उसको मानते हैं क्योंकि जो आइडिया ये इवोक करता है वो ज़्यादा विविड ज़्यादा लाइवली होता है हमारे दिमाग के अंदर